बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मंडी के अंदर सबसे बड़ा बकरा आपको दिखाने जा रहा हूँ। वज़न के अंदर भी है और हाइट के अंदर भी है और क्वालिटी वगैरह भी आपके सामने है। तो अभी माशाल्लाह इसका फेस ब्यूटी चेक करें और माशाल्लाह इसके लंबे कान देखें और चौड़ाई के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले भाई का इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है, चक चौट पांजल, बिजन साहिवाल। असं जी पट्ठे पुठे पाँदे से बकरियां, बड़े चेर बकरियां पाल रहे हैं। पट्ठे पुठे पाँदे मुलाजम रखना पैदा, अभी पट्ठे खराब कर रहे हैं। हूँ जी असं पंजाबी EMR बंडा पा रहे हैं, मुलाजम तो जान छुट्टी है जी। तो माशाल्लाह बकरे बेचारे सामने कुछ नहीं। असी भी साढ़े छोटे जानवर पट्ठे बहुत खराब कर रहे थे, अभी कोई मुलाजम भर जाता है। तो जनाबे आदमी मुलाजम को जान छुट गया जी। असं TMR पंजाबी TMR का बंडा थोड़ा थोड़ा सुबह शाम पाई है जी। साजी कैसे हैं? ठीक है। बॉस अपना नाम तारफ करवा दें। मोहम्मद प्याज। किधर से आए हैं? लुडन से आए हैं। साजी माशाल्लाह मंडी में से सबसे बड़ा बकरा यही है, कहाँ से ढूंढा है ये बड़ा बकरा? ये ढूंढा नहीं है, हमारे पास ही था। ये आपके घर का बकरा है? कब से है आपके पास? इलाके में है यार, बकरी वाला था। अच्छा, आपके इलाके से आया है। सही है जी। माशाल्लाह इसकी आप टांगे देखें कितनी कितनी मोटी हैं ये, और माशाल्लाह ये वज़न उठाने वाला बकरा है। और अभी इसके दांत दिखा सकते हैं, कितने दांत में है ये? सही है, ये देखिए 8 दांत हैं साहब। अभी माशाल्लाह फ्रेश 8 दांत है। और बॉस इसकी हाइट कितनी है? हाइट भाई 46 इंच की। 46 हाइट है? हाँ जी। और लेंथ में कितना है ये? 60। और माशाल्लाह कानों की लेंथ की है आपने? हाँ जी। कितनी है ये? 26 है। 26 इंच के कान है। और चुड़ाई कितनी है कानों की? 8। ये अंदाज़ा तो नहीं लगा रहे हैं पक्का? नहीं, अंदाज़ा नहीं, आप लगा के चेक कर लें। अच्छा, पैमाइश की है आपने? हाँ जी। सही है जी। और माशाल्लाह जी ये पीछे से इसका व्यू दिखा देता हूँ, और अभी आपको दिखाता हूँ इसके सींग। बिल्कुल ये देखें, और ये माशाल्लाह इस बकरे की लेंथ है, और ये इसकी बैक साइड है। यार इसकी माशाल्लाह टांगे बहुत ही मोटी हैं, और आपको पता है कि टांगें जितनी मजबूत होंगी जानवर वज़न उतना ही गेन करेगा। तो चीज़ की क्वालिटी भाई आपके सामने है। बिल्कुल बॉस, इसे क्या खिलाते पिलाते हैं आप? इसको गंदम बस शाम को। शाम को गंदम। चारा कौन सा देते हैं? ये चटाला अभी है, वो दे रहे हैं। सही है। गंदम कितनी की मिकदार में देते हैं? गंदम भाई 2 किलो खा जाता है एक टाइम पे शाम को। 2 किलो? मोशन वगैरह तो नहीं लगते? नहीं लगते। सही है। बस इसकी डाइट में यही है कि गंदम आप देते हैं? बाकी चारा जो बकरी का था। कोई दूध वगैरह तो नहीं पिलाते? नहीं, दूध नहीं पिलाते। माशाल्लाह साहब जी, इस बकरे का कभी वजन किया आपने? हाँ जी। कितना का वाया? ये अभी हुआ है 135। 135? हाँ जी। माशाल्लाह जी 135 kg वजनी बकरा है। टांगे वगैरह माशाल्लाह बहुत ही मोटी है इस बकरे की, और हड पैड के अंदर भी मजबूत है। तो आंडू है ना ये? हाँ जी आंडू है। आंडू है ये वाला बकरा। साहब जी अगर तो बकरियां से चढ़े तो बकरियां तो वैसे ही थल्ले डगी हैं। नहीं थल्ले नहीं लगदियां। नहीं माशाल्लाह जिन्ना का ओदा वजन है ना, बकरियां भी आगे इस तरह तगड़ियां होती हैं, यानी कि बकरियां में वड्डियां ही क्रॉस करता है। सही है। छोटी बकरियां तो चढ़ नहीं सकदा। क्या बात है। बिल्कुल छोटी बकरियां साहब जी के थल्ले आई हैं, उन्होंने तो वैसे ही मर जाना कि नहीं साहब जी? है कि नहीं? मुर्दियां नहीं। नहीं नहीं, वैसे ही कोई लत बांह तोड़ देगा उन्हां दी, की ख्याल है? बाकी माशाल्लाह जिड्डा सांड है वा बकरियां में उड़ियां ही तगड़ियां होनियां चाहीदियां। ते बॉस आवाम ने कहना तरीफा ते तरीफा करी जा रहे हैं, ते हुण व्यापारी ने कैमरे वाल देख के रेट वधा देने हैं। ते मैनूं दसो की डिमांड करदे पे हो? 380 जी, आपां जो डिमांड कर रहे ओही कर रहे हैं। किन्ने? 380। 380। अच्छा, सुबह दे आए हो मंडी च, ते ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਕਰ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ? ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ? 380 ਮੰਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ। 3.5 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਅਗਰ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਤਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੜੋਗੇ?
जुर्माने की गल नहीं, 100 बंदे ने मजबूरी मारी कसम नहीं चकते। सही है, क्यों जी कसम वाली गल नहीं है। ठीक है, जानवर अपना मार्ट है बेशक कोई ना लवे। तोड़ के चेक कराओ सारिया क्वालिटियां दे देख लिया आपा। माशाल्लाह चलाई वगैरह दिखा लेने ने। माशाल्लाह यार मंडी के अंदर सबसे बड़ा बकरा है और भाई अक्सर बकरों का ही काम करता है। कितनी साजी आप बकरे ही लेके आते हैं ना मंडी में? और ये लुडन से है ना? लुडन शहर से है। सही है। तो माशाल्लाह जी बॉस यदि कोई ब्लड लाइन है तेरे को बच्चे जेड़ा ते वो भी तुसी दिखा सकते हो आवाम नु? नहीं ऐसे तो दिखा नहीं सकते, एक महीना पहले बिका। अच्छा है, सही है। एक महीना पहले एक बिका बकरा, वो बिल्लू लेके गया खिचो से। अच्छा, वो इसी बकरे की ब्लड लाइन से आया, 18 लाख का बिका। माशाल्लाह जी 18 लाख का बिका। हां जी, दो दांत बच्चा था। दो दांत, हाइट कितनी थी? हाइट थी उसकी 41-42 है। अच्छा बॉस, मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, अगर कोई मेरे थ्रू आता है तो कितनी की गुंजाइश कर लेंगे आप? यार जब प्यारे भाई आप बात करोगे आपके साथ मोहब्बत करते हैं। नहीं देखे ना, मैंने आपकी वीडियो बनाई है पूरी और बकरे की एक एक चीज ना, तो आपकी जीत कर देंगे आपके, आप जो लोगों को रेट होगा उससे भी आपकी मोहब्बत कर देंगे। और कोई फाइनल सी आवाज है ना फिर कितनी की गुंजाइश कर लेंगे? है बॉस, कितनी की गुंजाइश कर लेंगे? अच्छा यार, इस तरफ लड़ाई हो गई थी और अभी हम दोबारा भाई की तरफ आते हैं, मोशन सारा टूट गया। बॉस आपने कोई फाइनल जी आवाज़ नहीं दी मुझे, तो मैंने आपसे कमी बेशी करवानी है क्योंकि व्यूअर्स माशाल्लाह देखते हैं मेरी वीडियो और जानवर भी परचेज करते हैं। आपके लिए 280 का हो जाएगा। 280 का? लो जी भाई कह रहे हैं 280 तक का मिल जाएगा। आपके का इससे मैं बकरा नहीं देना। ठीक हो गया जी, बाकी बकरा वगैरह एक दफा बॉस इसके इधर करें धूप वाली साइड में, मैं एक दफा दोबारा दिखा दूं। इसके आंट को कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। नहीं, इसके आंट की लेंथ बहुत लंबी है और ये भाई बकरा आंडू बकरा है ना? नहीं नहीं, आंडू तो है, ये क्या बना हुआ है उसके ऊपर? ये बस वैसे मट्टी में बैठते हैं। सही है, चलें जी अभी भाई का नंबर वगैरह ले लेते हैं। बाकी माशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी और मंडी में सबसे भारी जानवर है ये वाला। और बॉस उनको छेड़े, उनका काम लड़ने दें उन्हें, आप नंबर दें ज़रा। 0316 जी 68 जी 38 834। ठीक है, नाम क्या भाई का? मोहम्मद फयाज भाई। मैं मोहम्मद फयाज भाई, अगर कोई मेरे थ्रू लेगा तो ये फाइनल रेट है या फाइनल रेट इससे नीचे देंगे? नहीं देंगे, पत्थर पे लगी है। हाँ। पक्की बात है। ठीक हो गया जी, चलिए आपको नेक्स्ट माल दिखाते हैं जो बकरे आए हुए हैं ना। और ये माशाल्लाह ये दिल को लगी है ये वाली चीज़।